हाँ तो बच्चों ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस अब बताऊंगा मैं, बट रिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बात भी हम आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कोई भी एक्स्ट्रा वर्क यहां से नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है। दूसरा कंडीशन है, क्योंकि कोई भी वर्क क्यों नहीं, क्योंकि मान लो हम सराउंडिंग है, हम वर्क करने वाले, हमने एक स्मॉल दाने को उठा रहे हैं सुगर का, तो उसको उठाने में क्या हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन बहुत इरिटेटिंग है, बहुत वही बहुत हल्का है ना यार, वेट निग्लिजिबल है उसका, तो उसको उठा के ऐसे रख रहे तो वो तो एकदम निग्लिजिबल है, उसको उठाने में बहुत ज्यादा एनर्जी तो मेरा कंज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत इरिटेटिंग काम है, इनफाइनाइट स्टेप में है, ठीक है, इसलिए जनरल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता। अब एक बात देखें बच्चों, अब आपने पढ़ा होगा वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल में, वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हर पॉइंट पे थोड़ा 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 चेंजेस होता जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल फोर्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल। तो वैसे ही यहां पे देखो, अगर ये हम कंटेनर लिए थे और ये आपका जो पिस्टन है, ठीक है, इसके ऊपर हम धीरे 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 पूरा दाना रखते गए और ये सब पहाड़ टाइप का यहाँ बन गया, ठीक है, पूरा इस तरीके से यहाँ बन गया पूरा दाना सुगर का रख दिए, ठीक है। तो बच्चों हर बार हर पॉइंट पे हर एक दाना एडिशन पे फोर्स में चेंजेस कितने का होगा, डीएफ का, ठीक है। डीएफ कुछ ना कुछ तो है, मानता हूं टेंस टू जीरो है, लेकिन वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है। मतलब हर बार थोड़ा 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 फोर्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर बार थोड़ा 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 प्रेशर चेंज हो रहा है। मतलब आप यहां से बोलेंगे बच्चों कि जो ऊपर का एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल, ये कैसा होगा बच्चों, वेरिएबल। ये बात ध्यान रखना, मतलब जो प्रेशर होगा, प्रेशर यहां का ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरी कर रहा है धीरे 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 वेरी कर रहा है। तो ये चीज आप याद रखना कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो वेरिएबल होता है। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये पढ़ाया था कि प्रेशर ग्रेडियंट जहां पे जीरो हो उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे, और आप तो इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे कंसीडर कर रहे हो, फिर आप प्रेशर को वेरिएबल क्यों कहें? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने ये बोला था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे कि प्रेशर ग्रेडियंट जीरो, मतलब प्रेशर मतलब हर पॉइंट प्रेशर चेंज ना हो, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो। तो अगर आप यहां भी देखें तो जब हर दाने को हमने ऐड किया तो हर दाने के एडिशन के बाद हर पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट ही दिख रहा है, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, हर पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू सेम ही दिख रहा है, समझ रहे। जैसे मान लो पहले से प्रेशर था 2 atm 2 atm, बाद में हमने एक दाना ऐड किया उसके वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है 10^-5 atm, तो 2 में 10^-5 ऐड करोगे तो ये -5 तो निग्लिजिबल है ना, नेग्लेक्ट हो जाएगा, 2 का 2 ही atm रहेगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, जब आप स्मॉल स्मॉल पीसेस को ऐड करते हैं, एक एक दाने को आपने ऐड किया, तो हर पॉइंट पे प्रेशर को हम लोग इक्विलिब्रियम पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है हर पॉइंट पे उतना ही नीचे से, इसीलिए आपको जो पिस्टन है इसका मूवमेंट आपको दिखता नहीं है और ना ही आपको दिखेगा, ठीक है। बट धीरे 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 उसके पोजीशन पे भी चेंज होता रहता है, जो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा बच्चों। बट प्रैक्टिकली अब अगर नेट बाहर से हम देख रहे हैं तो हम ये तो बोलेंगे ना कि अब अरे यार ये तो आप बताओ, हर बार तो डीएफ का चेंज हो ही रहा है, अगर हर बार डीएफ का चेंज हो रहा है तो मतलब प्रेशर तो क्या हुआ, वेरिएबल। तो यहाँ पे दोनों बातें, एक तो ये मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे, हमने पॉइंट के हिसाब से बोला कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश, एंड
अगर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम थर्मोडायनेमिक को अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस में अब फाइनली अगर बाहर से हम देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हर बार जब दाने 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 को आप अगर ऐड कर रहे हो तो हर बार डीएफ से प्रेशर चेंज हो रहा है, और अगर हर बार डीएफ से प्रेशर चेंज होगा तो सीधा बात है बच्चों कि यहां का जो प्रेशर हुआ वो क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि प्रेशर जो एक्सटर्नल वो क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, तीसरी बात कि कभी भी आपको इसका आपका जो वॉल्यूम चेंज है वो विजिबल नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं कि कब ये मूव करके ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि यहां अगर गैस है और गैस ही होता है ज्यादातर केसेस में, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो पीवी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एन आर टी। ठीक है, तो हर पॉइंट पे आप रिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हर एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे प्रेशर में चेंजेस तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आपने एक 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 दाने को ऐड किया है और उसकी वजह से प्रेशर में चेंज होता है निग्लिजिबल। तो हर एक दाने के वजह से जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो भी क्या होगा, निग्लिजिबल ही तो होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इज वैलिड एप्लीकेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब देखो बच्चों अगर हम लोग इसमें पॉइंट लिखें तो क्या क्या पॉइंट होगा, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोल देता हूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा बच्चों कि प्रोसेस विच कैन रिवर्स सेम पाथ इजिली। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है वैसे धीरे धीरे वापस आएगा विदाउट एनी फोर्स। कैसे, मान लीजिए आपने जो दाने को आपने यहां धीरे धीरे ऐड किया है, ठीक है, जिस दाने को आपने धीरे धीरे यहां ऐड किया है उन दानों को धीरे धीरे बाहर निकाल दो, एक एक दाना उठा उठा के बाहर निकाल देंगे। तो इस बार जब बाहर निकालेंगे तो हर बार ऊपर से डीएफ का फोर्स कम होता जाएगा, और हर बार अगर डीएफ का फोर्स कम होता जाएगा तो हर बार डीपी के बराबर प्रेशर कम होता जाएगा। इसके बाद ये पिस्टन धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे ये डाउनवर्ड जा रहा है ना वैसे अपवर्ड जाएगा, मतलब सेम पाथ में इजिली रिवर्स्ड होता है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो सेकेंड पॉइंट है बच्चों, सेकेंड पॉइंट ये है कि नो वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग टू रिस्टोर सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया जा रहा है किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा। जैसे मैं काम करने वाला हूं तो मैं सराउंडिंग हूं, है ना, अगर मैं सराउंडिंग हूं तो हमारा हाथ एक एक दाने को उठाने में बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहां बोल रहे हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया जा रहा है। इसके बाद ये बच्चों कि ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय अ स्मॉल अमाउंट दैट इज डीएफ। हमने आपको बताया ऊपर से जो फोर्स लग रहा है नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसमें डीएफ का चेंज है, और डीएफ टेंस टू क्या है, जीरो। इसीलिए प्रेशर में आपको चेंजेस जो है हर पॉइंट पे निग्लिजिबल का दिखता है। इसके बाद है बच्चों इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इट इज इमेजिनरी प्रोसेस, इमेजिनरी है, इट इज नॉट रियल। ठीक है, इमेजिनरी है, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा 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 होगा, कोई इतना पागल बैठा नहीं है उठाएगा दाना दाना भरता जाएगा जिंदगी अपना खराब करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है बच्चों कि PB is equal to NRT valid at each and every point। ठीक है, इसके बाद है बच्चों कि ये कंडीशन आप ध्यान रखना, और आखिरी पॉइंट इसका यह है कि प्रेशर जो इसका होता है एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है। किसमें, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो कुल मिला के आपको रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने पढ़ा दिया, नोट्स में आफ्टर लेक्चर मतलब वही जो टाइम होता है उस टाइम पे सेंड कर दूंगा। रिवर्सिबल समझ में अगर आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। रिवर्सिबल अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे रिप्लाई कर दो, आ गया ना बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों बात सुनो, बात यह है कि रिवर्सिबल में प्रेशर वेरिएबल होगा। ठीक है, हर पॉइंट पे प्रेशर वेरी करेगा, हर पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक लगाएंगे। ठीक है, समझ गए, प्रेशर वेरिएबल क्यों है,
कि हर बार पॉइंट का चेंज हो रहा है ना बाबू, डीएफ का तो चेंज हो ही ना रहा है। अब अगर डीएफ का अगर चेंज हो रहा है तो डीपी से प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन वो निग्लिजिबल है, इसीलिए हर पॉइंट पे उसका वैल्यू हमें नेकेड आई से दिखने वाला तो नहीं है। लेकिन हाँ, कोई कर रहा है ऐसा काम तो हम 10-15 दिन के बाद जाके देखेंगे वही काम करते हुए उसको, तो चेंजेस हमको थोड़ा थोड़ा दिखे। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे बढ़ता हूं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट इसका उल्टा होता है, ध्यान से आप देखेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल मतलब नॉट रिवर्सिबल, सीधा बात है, इसमें ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है, ये रियल है, फाइनाइट है, फाइनाइट स्टेप में होगा, और यहां पे ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स नॉट डिफर बाय स्मॉल अमाउंट, डिफर बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। सो जो प्रेशर होगा वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिफर करेगा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तब तब थर्मोडायनेमिक हम अप्लाई नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, पहले पूरा बात देखो समझो और एंड में आप अपना रिव्यू देना कि यस सर समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये हमारा एक कंटेनर है, हमने ये कंटेनर ले लिया, कंटेनर पे लगा दिया यहाँ पे मूवेबल पिस्टन, ठीक है, मूवेबल पिस्टन है ये, तो यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक, यहाँ पे हमारा है सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। अभी देखिए प्रेजेंट सिचुएशन पे, प्रेजेंटली जो स्थिति है इसके हिसाब से ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ऊपर से प्रेशर जो लगा वो मान लो पी एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल बाहरी फोर्स, ठीक है, ये एक्सटर्नल, और नीचे वाले प्रेशर को बोलते हैं बच्चों इंटरनल, ठीक है। तो जब जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर रहेगा तो सिस्टम रहेगा इक्विलिब्रियम पे। तो देखो ऊपर का एक्सटर्नल और नीचे का एक्सटर्नल प्रेशर दोनों भी इक्वल है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम पे है। तो अभी आप इक्विलिब्रियम पे है तो थर्मोडायनेमिक इजीली अप्लाई करो, जो भी चीजें कैलकुलेट करना है थर्मोडायनेमिक का जो आप सीखेंगे उसे आप कैलकुलेट कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद क्या है कि ये जो हाफ के जी शुगर है, ठीक है, इस हाफ के जी शुगर को हमने इसके ऊपर ला कैसे रख दिया, ठीक है, तो जैसे हम इसके ऊपर ला के रखेंगे तो इसके ऊपर यहां पे मान लो ये शुगर का पैकेट हमने रख दिया अचानक से, ठीक है, तो जैसे ही हम रखे इसके ऊपर रखे तो ये नीचे लगा दिया क्या आपका फोर्स, ठीक है, और ये फोर्स इस बार नॉट निग्लिजिबल, नॉट टेंस टू जीरो, दिस फोर्स इज विजिबल, ठीक है, कैलकुलेटेबल, कैलकुलेट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से इसने फोर्स लगाया, अब अगर ये फोर्स लगाया तो नीचे के डायरेक्शन में क्या लगा रहा है प्रेशर, तो ये जो प्रेशर लगा रहा है कौन, शुगर का पैकेट, वो एक्स्ट्रा प्रेशर मान लो पी डैश लगा रहा है, ठीक है, तो अब यहां पे ऊपर से क्या हो गया पी एक्सटर्नल प्लस पी डैश इक्वल नॉट इक्वल टू पी इंटरनल, ठीक है, तो अब ये जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब जैसे ही आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा बच्चों तो अब ये पिस्टन क्या करेगा, किधर जाएगा, आप खुद बताओ बताओ, जैसे इसके ऊपर हमने हाफ केजी का शुगर का पैकेट रख दिया तो बताइए ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे रिप्लाई कर दूं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किधर जाएगा बच्चों ये डाउनवर्ड, तो जब ये डाउनवर्ड जाएगा, जैसे मान लो हम ये मेरा जो सर है ना ये है पिस्टन, ठीक है बच्चों, अब देखो मान लो ये पिस्टन है और इस पे आपने अगर ऐसे रख दिया तो अब ये धीरे 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 किधर जाएगा डाउनवर्ड जाएगा, और कब तक जाएगा डाउनवर्ड, जब नीचे का प्रेशर ऊपर वाले नेट एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब मान लो बच्चों कंडीशन ये है कि ये इनिशियल सिचुएशन में जब हमने इसको रखा ऐसा है, आफ्टर सम टाइम क्या कंडीशन हो गया बच्चों, ये पिस्टन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये पिस्टन आ गया मूव करके यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका 5 1/2 kg का शुगर का पैकेट,
और साथ में जो भी लग रहा था, तो अब फिर से ये पिस्टन रुक गया। तो रुकने का मतलब क्या है कि ऊपर का जो नेट फोर्स है नीचे का नेट फोर्स के क्या हो गया, बराबर। ठीक है, अब देखो ऊपर का जो नेट प्रेशर है नीचे का नेट प्रेशर के क्या हो गया, बराबर। मतलब ऊपर का जो नेट प्रेशर उसको बोल रहे हैं मान लो प्रेशर एक्सटर्नल, और नीचे का प्रेशर फिर से क्या हो गया, इंटरनल। तो ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये पिस्टन यहां स्टॉप हो गया। तो ये फिर से जब प्रेशर इक्वल हो गया तो प्रेशर में भी तो कोई चेंजेस है नहीं, तो मतलब वापस से ये कहां पे चला गया बच्चों, इक्विलिब्रियम पे। तो मतलब जब इसको हमने नहीं रखा था तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, और रखने के बाद जब ये पिस्टन स्टॉप हो गया, चेंजेस होना बंद हो गया, तब ये चला गया इक्विलिब्रियम पे। लेकिन जैसे रखेंगे उस टाइम धीरे 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 नीचे जब आएगा, तो मतलब जब जब आपको पिस्टन मूव करता हुआ ऐसा 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 दिखेगा उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। मतलब मूवमेंट के ड्यूरेशन पे आप उस पे थर्मोडायनेमिक अप्लाई नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर इंटरनल प्रेशर फिर कैसे बढ़ा, एक्सटर्नल बढ़ता तो दिख गया लेकिन इंटरनल कैसे बढ़ा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं उसका जवाब आपको देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। और आप लगाएंगे अगर पी इक्वल टू एनआरटी तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे ये पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा इंटरनल प्रेशर धीरे 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 क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा, उसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि वापस इसने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया। तो जब ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा बच्चों उस टाइम पे हम वापस थर्मोडायनेमिक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन हम यहां पे कर सकते हैं और यहां पे कर सकते हैं, लेकिन जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे फिर हम थर्मोडायनेमिक अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, इसमें ये कॉन्स्टेंट होता है बच्चों, नॉट वेरिएबल। बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखिए जैसे हमने हाफ के जी का ब्लॉक या हाफ के जी का शुगर का पैकेट इसके ऊपर रख दिया तो उसके पास जितना कैपेसिटी था फोर्स लगाने का डाउनवर्ड वो लगा चुका है, एक बार में ही लगा दिया पूरा, धीरे 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 करके नहीं लगा रहा, एक बार में पूरा लगा दिया। अब एक बार में पूरा फोर्स उसने लगा दिया तो एक बार उसके वजह से जितना प्रेशर जनरेट हो सकता था वो प्रेशर तो जनरेट हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो मतलब इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। ओके, क्या होगा, कांस्टेंट। उसके बाद ये वापस रिवर्स सेम पाथ में इजिली नहीं होगा, कहे अगर आप यहां पे हाफ केजी का जो ब्लॉक है उसको हटाने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए इससे हटा दिया हाफ केजी ब्लॉक एक बार में डायरेक्ट, तो इस बार फिर ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, कम। तो अब ये पिस्टन किधर जाएगा, अपवर्ड, और फिर तब तक अपवर्ड जाता रहेगा जब तक कि ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर ना हो जाए, समझ गए। तो ये हो गया बच्चों आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कंडीशन ये है कि सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही पीबी इक्वल टू एनआरटी यहां अप्लाई करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे पीबी इक्वल टू एनआरटी वैलिड नहीं होगा। यहां पीबी इक्वल टू एनआरटी वैलिड है और स्टार्टिंग में पीबी इक्वल टू एनआरटी वैलिड था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुल मिला के यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि डीएफ जो फोर्स है, ठीक है, इस बार जो डीएफ फोर्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ये कुछ ना कुछ वैल्यू है इसका, कुछ ना कुछ कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट में याद रखो बच्चों, और एक बात और याद रखो कि जितना आप चाहे इसमें स्टेप बढ़ा सकते, अगर इसी सॉल्ट इसी शुगर के पैकेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में, दो पार्ट में, एक बार में 1/4 kg और दूसरे पार्ट में 1/4 kg। तो हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पे नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करा, ठीक है, ये हमारा है मूवेबल पिस्टन,
ठीक है, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, अभी पीबी इक्वल टू एनआरटी वगैरह वैलिड है, थर्मोडायनेमिक वैलिड है। अब इसमें हमने क्या बोला कि इसको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हम इसमें 1/4 kg का ब्लॉक रख दिए, समझ लो 1/4 kg। तो इसके वजह से जो प्रेशर में चेंज होना हुआ होगा, फिर उसके बाद मूवमेंट होगा, एंड फाइनली समझ लो कि ये पिस्टन पिस्टन जो है वो थोड़ा नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे 1/4 kg। उसके बाद बच्चों फिर ये यहाँ पे आके रुक गया, तो फिर से ऊपर का एक्सटर्नल और नीचे का इंटरनल जब बराबर हुआ तो रुक गया, तो ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ऐड करने से पहले। उसके बाद फिर से इसके ऊपर हाफ 1/4 kg हम ऐड कर दिए, ठीक है, फिर से हम इसके ऊपर 1/4 kg ऐड कर दिए, तो देखिए तो ये और नीचे आ जाएगा, तो 1/4 क्या हो गया 1/2। तो ऊपर से एक्सटर्नल इंटरनल जब बराबर तो रुक जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ भी इक्विलिब्रियम वैलिड है, यहाँ थर्मोडायनेमिक लगेगा, यहाँ इक्विलिब्रियम वैलिड है, यहाँ थर्मोडायनेमिक लगेगा, यहाँ थर्मोडायनेमिक लगेगा। लेकिन बच्चों यहाँ से यहाँ आने का जो रास्ता होगा ना, उसमें थर्मोडायनेमिक हम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ थर्मोडायनेमिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंडीशन ये है बच्चों कि जितने पार्ट में इसको डिवाइड करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता जाएगा, और इसी को जब इनफाइनाइट स्टेप में डिवाइड कर देंगे, इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, और फिर हम उसी को कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब किसी भी आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय, ठीक है, बाय डिवाइडिंग डिवाइडिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। नहीं, थर्मोडायनेमिक सिर्फ इनिशियल और फाइनल का बात नहीं है, थर्मोडायनेमिक वहां वहां वैलिड होगा जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, जहां प्रेशर चेंज नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे 1/4 आपने ऐड किया, तो यहाँ जाके ये रुक ना जाएगा, तो यहाँ इसके हिसाब से तो ये फाइनल पॉइंट है ना, तो यहाँ पे तो थर्मोडायनेमिक हम लगा ही सकते हैं। इसके बाद फिर अगर इस पे आपने 1/4 ऐड कर दिया, इसके बाद चेंज होकर ये यहाँ के रुक गया, तो फिर यहाँ पे थर्मोडायनेमिक लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये दो स्टेप में हो रहा है, अगर और इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो चार स्टेप में होगा, तो चार पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक वैलिड होगा, और फिर जब इसको आप इनफाइनाइट स्टेप में डिवाइड कर देंगे तो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम वैलिड होगा, और फिर उसी को हम क्या बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर आप इनफाइनाइट स्टेप में डिवाइड कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। तो ये बात है, जैसे आप देखिए अगर अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4 kg 1/4 kg हो रहा है, और जब इनफाइनाइट स्टेप मतलब एक एक दाना निकालना चालू कर दिए, तो यही इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट पार्ट में इसको हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो वही तो हो गया था क्या आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। फिर मैं एक बात आखिरी बार बता दूं कि आप ये मत समझो थर्मोडायनेमिक इनिशियल फाइनल, ऐसा नहीं, जब जब प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा तब तब आपका प्रेशर ग्रेडियंट जीरो रहेगा, तब तब आपका थर्मोडायनेमिक वैलिड होगा, ठीक है, हर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक वैलिड होगा। जैसे एक बार आपने पहले कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है तब ये इक्विलिब्रियम पे है, थर्मोडायनेमिक वैलिड है, 1/4 ऐड कर दिए तो पिस्टन धीरे धीरे नीचे जाएगा और फाइनली यहां जाके रुक गया, तो ये इक्विलिब्रियम पे चला गया। अब इसमें थर्मोडायनेमिक लगाएंगे, इसमें वापस से अगर आपने 1/4 ऐड कर दिया तो नेट 1/2 हो गया, अब ये यहाँ पे जाके रुक गया, अब यहाँ पे हम लगाएंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो अब देखो सुनो, पहले इसमें अगर पॉइंट हमें लिखना होता तो क्या लिखते, पॉइंट पॉइंट लिखते बच्चों इरिवर्सिबल में कि प्रोसेस विच कैन नॉट रिवर्ट सेम पाथ इजिली, इसमें सराउंडिंग को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि 1/2 kg का ब्लॉक जब आप उठाओगे ना उसमें आपको काम तो करना पड़ेगा, आपका एनर्जी कंज्यूम होगा। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, वर्क हैज टू बी डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, ठीक है, कब, जब आप उसको रिवर्ट करना चाहोगे सेम पाथ में, सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बच्चों, टेक प्लेस इन फाइनाइट स्टेप डीएफ नॉट टेंस टू जीरो, डीएफ का वैल्यू टेंस टू जीरो नहीं होता। इसके बाद है कंडीशन बच्चों, इट इज रियल प्रोसेस, विजिबल प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेस, जनरल लाइफ में वैलिड होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद कंडीशन है बच्चों कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बार में जितना आप ऐड कर रहे हो ब्लॉक उसके हिसाब से
जो प्रेशर बढ़ना है वो एक बार में ही बढ़ गया, ठीक है, बस सीधा सीधा ये बात है। और पीबी इक्वल टू एनआरटी जो है बच्चों वो वैलिड होगा हर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पीबी इक्वल टू एनआरटी वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका कंडीशन होता जाता है। उसके बाद है बच्चों कि आप चाहें तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जितना स्टेप बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, उतने ज्यादा पॉइंट पे आपका थर्मोडायनेमिक वैलिड होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये बात मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया। अब ये सब पढ़ने के बाद एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब आप इनफाइनाइट स्टेप में इरिवर्सिबल को डिवाइड कर दो तो रिवर्सिबल बन जाएगा, ठीक है। अब इतना कुछ मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब सीधा सीधा शुद्ध हिंदी शुद्ध मराठी वाली बात समझ लीजिए कि क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन ये है कि सीधा बात, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस लिख के देगा ना तो हर पॉइंट पे पीबी इक्वल टू एनआरटी लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी रिवर्सिबल लिख के देगा तो जहां इक्विलिब्रियम होगा वहीं पे हम पीबी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे। दूसरी बात, जो रिवर्सिबल होगा बच्चों उसका प्रेशर वेरिएबल होगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, बस इतना याद रखना। और जो इरिवर्सिबल होगा इसका प्रेशर जो है बच्चों वो वेरिएबल होगा, ठीक है। इसका प्रेशर क्या होगा? वेरिएबल, बस, ठीक है। सॉरी, इरिवर्सिबल का जो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल का इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा। जैसे 2 ATM, 3 ATM, 4 ATM, इस तरीके से वैल्यू दिया रहेगा। इतना बात आपको बस ध्यान रखना है। इससे ज्यादा एक बात और ध्यान रखना है कि किसी भी इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट क्यों हो जाता है, वो सब सारा कुछ मैंने आपको इमेजिन करवा दिया। मेनली थ्योरी में इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो, आप इमेजिन कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट मैं चाहता तो एक लाइन में लिखवा देता कि बच्चों याद रख लो, रिवर्सिबल में हर पॉइंट पे पीबी इक्वल टू एनआरटी वैलिड होता है, इरिवर्सिबल पे नहीं होता है, तो आप समझ नहीं पाते। लेकिन अभी आपको दिक्कत नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो बच्चों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मैंने ये आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफ रिलेटेड टू रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। और ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तब तक आप एक मैसेज कर दीजिए प्यारा सा, ठीक है, मासूम सा, कि सर समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ठीक है। अभी आ जाओ, ग्राफ रिलेटेड टू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब ग्राफ में देखिए, मैं जो ग्राफ का मतलब क्या, जो कुछ हुआ है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के प्रोसेस को तो ग्राफ बोलते हैं। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस का, और इसमें ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे पी वर्सेस बी का, पी वर्सेस बी का। तो बताओ जो रिवर्सिबल प्रोसेस था उसमें प्रेशर क्या था? वेरिएबल। कैसे? दाना 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 दाना, दाने पे दाना ऐड करे जाओ, तो उससे क्या हो रहा था? प्रेशर धीरे 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 वेरी कर रहा था, और पिस्टन धीरे 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 नीचे जा रहा था, बट वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जो प्रेशर है वो क्या होगा बच्चों? वेरिएबल। तो बच्चों जो वॉल्यूम है वो प्रेशर से रिलेटेड है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वेरी करेगा। जैसे जैसे प्रेशर चेंज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज करेगा। प्रेशर का चेंज आपको नहीं दिख रहा है तो वॉल्यूम का भी चेंज तो आपको नहीं दिखेगा। जब आप दाना दाना रखते जाओगे तो एक दाने रखे उसके बाद जितना प्रेशर बढ़ा उतना कम हुआ, वॉल्यूम थोड़ा कम, फिर बढ़ा, फिर कम, फिर बढ़ा, फिर कम। लेकिन जो बढ़ रहा है ना दाना के वजह से प्रेशर, वो तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे, तो जो वॉल्यूम है वो भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे
एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा बच्चों, मतलब ये ग्राफ हो गया आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है। इसमें हमने कोई भी एरो नहीं लगाया है। एरो क्यों नहीं लगाया बच्चों? तो जब आप दाना दाना रखते जाओगे तो पिस्टन ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, तो उस टाइम पे ग्राफ में ऐसा एरो लगेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों कंप्रेशन, कंप्रेस करना, प्रेशर बढ़ाओ कंप्रेस करो, कंप्रेशन। अब अगर ये ऊपर ऐसे हो गया तो क्या हो गया, एक्सपांड कर गया, इसको लोग क्या बोलेंगे एक्सपांशन। उसमें क्या होता है बच्चों कि जब आप प्रेशर को कम करोगे, ठीक है, तो एरो ऐसा होगा, तो धीरे 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 इधर जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा, तो प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपांशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो गया कंप्रेशन का और एक्सपांशन का बच्चों। ये रिवर्सिबल का ग्राफ आपको समझ में आ गया क्या? रिवर्सिबल का ग्राफ समझ में आ गया बच्चों? रिवर्सिबल का ग्राफ समझ में आ गया? यस। और सुन लो, रिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल के केस में, फिर एक बार कुछ बच्चे बोल रहे सर रिपीट करो, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो। रिवर्सिबल के केस में जो प्रेशर है वो वेरिएबल है, तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे वेरिएबल है, वो पता नहीं चल रहा है, तो P वर्सेस V का जो ग्राफ आप बनाएंगे वो ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ये तो सबको समझ में आ गया। अब दो बात है कि अगर आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाते जाओगे, ऐसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कम होता है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, है ना, कंप्रेस कर रहे। और अगर आप प्रेशर ऊपर से कम कर, जैसे आपने हमने बोला था ना कि अगर दाना हटाना चालू करोगे तो पिस्टन धीरे धीरे कहां जाएगा ऊपर, तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों एक्सपांशन, ठीक है। तो उस टाइम सुन लो, अगर एरो आपको ऐसे लिख के दिया है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसमें देखो ऊपर से नीचे जा रहे, मतलब प्रेशर डिक्रीज है, प्रेशर डिक्रीज है और वॉल्यूम इंक्रीज है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सपांशन, एक्सपांशन का ग्राफ है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं कंप्रेशन का, तो इसमें देखिए सेम ही ग्राफ रहेगा, सेम रफ में आप लोग ड्रॉ करते जाओ बच्चों, मेरे नादान परिंदो, रफ में ड्रॉ करते जाओ P वर्सेस V का, ये ऐसा ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा देंगे डायरेक्शन, जहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर। तो अगर ऊपर जाएगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉम्प्रेशन। तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस ग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं आता, जैसा ग्राफ एक्सपेंशन का होगा वैसा ही ग्राफ कॉम्प्रेशन का होगा, ग्राफ में कोई भी डिफरेंस, कोई भी वेरिएशन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? क्लियर? गिव मी आंसर प्लीज। क्लियर? रफ में ड्रॉ करते जाना, और आज बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा, बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा, जब टाइम ओवर होने लगेगा सारे बच्चे बाय करके जाएंगे, ठीक है। और एकदम स्टाइल में से करना बाबा ऐसा वाला, ठीक है, एकदम शॉर्ट में मत कर देना बी वाई लिख के। हाँ चलो, अब ये हो गया बच्चों आपका ग्राफ रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूं, ग्राफ रिलेटेड टू, ग्राफ रिलेटेड टू, रिलेटेड टू इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा प्यार से सुनिएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल का ग्राफ जो है उसमें आपको आईआईटी एम्स आपको डॉक्टर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। देखो अब क्या दिमाग लगाना है, ग्राफ क्या है बच्चों, जो ऑब्जर्वेशन है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमने यहाँ पे ले लिया एक कंटेनर, कंटेनर में लगा दिए पिस्टन, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम पे, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। अब देखो कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, ध्यान से देखना फिर ड्रॉ करना, ध्यान से देखना, देख रहे हो, देख रहे हो ध्यान से, ए यस या नो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे तो मेरी बात को जरा समझें कि ये तो अभी जहां है वहां है, अब क्या हुआ बच्चों,
कि इस पे हमने एक ब्लॉक लाके रख दिया, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो दाना दाना लाके नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ब्लॉक लाके रख दिए, ये ब्लॉक लाके रख दिए जिसका मास है एम के जी, ठीक है। तो इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर लगेगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस टाइम पे हमने इसके ऊपर ये लाके रखा, उसी टाइम पे जितना प्रेशर बढ़ना था बढ़ चुका। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर है वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। जैसे मेरी बात आप समझो, ठीक है। मैं क्या आपको और एग्जांपल बताता हूं, देखो एग्जांपल ये है कि सपोज ये आपको देखो, ये जो है ये टैब है, ठीक है। इसको हमने यहां लाके ऐसे रख दिया, तो जितना प्रेशर बढ़ना था बढ़ चुका ना, धीरे धीरे नीचे आएगा मेरा हाथ। तो अब ये नीचे कब तक आएगा, जब तक नीचे वाला प्रेशर इसके बराबर ना हो जाए। तो मतलब अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना। तो है ना बच्चों, अब देखो जरा यहां पे, जैसे आपने इसको ऐड किया तो इसके वजह से जितना प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ना होगा वो बढ़ चुका, ठीक है। तो कंडीशन है कि मान लो पहले मेरा जो प्रेशर था वो यहां था, इनिशियल प्रेशर जब हम इस पे ब्लॉक नहीं रखे थे उस टाइम पे जो प्रेशर है उसको बोल रहे इनिशियल प्रेशर। तो दिस इज इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसे बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। लेस देन 1 सेकेंड सर, तो बाय करो फिर सब लोग, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे कल, है ना, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करना घर पे, ओके, अच्छे से पढ़ना और जो डाउट हो पूछना फिर भी। यस यस, आंसर की मैं सेंड कर दूंगा आज, ठीक है। चलिए, टाइम ओवर हो गया कैसे, तो पता ही नहीं चला यार आज तो।